श्रीमद्भागवत। और हम श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने के लिए समय निकाल पा रहे हैं। यथार्थता है मेरा ये मानना है, आज तक जहां तक हमने कथाएं करी है, और अगर किसी को लगता है कि कथा हो गया, मैंने कहीं संगीत नहीं सीखा, संगीत का कोई गुरु नहीं है मेरा, बाकी वो बिहारी मेरा गुरु जरूर है, जिसका कोई गुरु ना हो शिव गुरु, शिव हरि करे तो भवपार बन जाए। इन पाखंडी गुरुओं से बचो, शिव को ही गुरु मान लो तो भवपार बन जाए। देव जी ने उनका हंसी उड़ा दिया और उन्हें कथा श्रवण की पात्रता ना बता दी। और वो कथा अगर आप श्रवण कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से आप प्रभु के पास। इसलिए मेरा ये निवेदन है, इस कथा को जीवन में श्रवण करके आचरित करने की जरूरत है। कथा को सुन करके भूलने से कोई लाभ नहीं होता महाराज। कथा आपने सुन लिया घर जाकर भूल गए, इससे कोई अभिप्राय आए तो मिलते हैं जिंदगी, तो मिलते हैं जिंदगी, ये दौलत कभी कभी I'm
वंदन करे, मस्तक पे रोज चंदन करे। बेटी कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे परिवार में लोगों का सर झुक जाए। संकल्प लो अगर कथा श्रवण करने आए हो कि आज से हम व्यसन नहीं करेंगे, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, और आज से हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण मेरे माता पिता का सर झुक जाए, तब तो कथा सुना, नहीं तो राधे राधे धन बाट ले आधे आधे। हमने कथा श्रवण करके अगर जीवन में नहीं उतारा तो क्या लाभ है? हम यहां पर बैठे रहेंगे अगर, और घर जाकर के फिर वही बात, सासू बहू को जहर दे और बहू सास से चाबी छीने, क्या मतलब है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अभिप्राय यह है। अब सोलक आदि ऋषियों ने पुनः, सोलक ऋषि ने क्या कहा? लोक विग्रह मुक्तस्य नारद स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग पुत्र ते सह। कहते एक बार लोक विग्रह मुक्तस्य, लोक विग्रह का अर्थ होता है सांसारिक प्रपंच। जीवन में हरि की कथा का कभी अंत नहीं होता और इन संसारियों की कथा का कभी अंत नहीं होता। आगे कथा में प्रामाणिकताएं बहुत मिलेंगी। कथा का अंत नहीं, उनकी व्यथा का अंत नहीं, लेकिन वास्तव में अगर एक बार कथा श्रवण करके जीवन में उतार ले तो जीवन में कभी व्यथा हो भी नहीं सकती। कहते एक बार लोक ग्रह विरोध संयोग लोक ग्रह मुक्तस्य, एक बार संसारिक प्रमत्तों से मुक्त होकर के लोक विग्रह मुक्तस्य। सौनक जी कहते हैं कि एक बार संसारिक प्रपंचों से मुक्त होके देवऋषि नारद के साथ समागम हुआ, बैठे चर्चा हुई, किसी से मिलने का योग किसी से बिछड़ने का योग ये आपके हाथ में नहीं है, वो तो प्रारब्ध से लिखा हुआ है। सूत जी ने देवऋषि नारद से प्रश्न किया है, यतः ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुतं कथानकं सुकेन मम यत प्रोक्तं ग्रह शिष्यं विचार्य च एकदा हि विशालाय चन्द्रवारदृशयो मल सत्संगान समायत ददु सुवस्तना। सोनक सूत और देवऋषि नारद, देवऋषि नारद के बारे में थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा। आजकल हम लोग एक बात कहते हैं कि क्या देवऋषि नारद जैसा, देखिए देवऋषि नारद की तुलना आज के लोगों से मत करो, बड़ा ही आभार है उस देवऋषि का इस पृथ्वी पर। देवऋषि नारद ने जाकर सौनक आदि ऋषियों से चर्चा ना की होती तो सत्य नारायण कथा नहीं होता। देवऋषि नारद ने जाकर अगर ज्ञान भक्ति वैराग्य से चर्चा नहीं करके उनका मार्ग नहीं ढूंढा होता तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ नहीं होता। देवऋषि नारद ने जाकर अगर कंस की बुद्धि को भ्रष्ट नहीं की होती तो कृष्ण का अवतार नहीं होता। देवराज इंद्र ने जाकर अगर भगवान विष्णु को श्राप नहीं दिया होता तो राम का अवतार नहीं। देवऋषि नारद ने जितनी बार युक्ति लगाई है जगत के कल्याण के लिए, लेकिन मेरे भाई बहन आज के जो लोग युक्ति लगाते हैं अपने स्वार्थ कल्याण के लिए, इसलिए उससे तुलना मत कर। सूत जी कहते हैं अतते कीर्ति
श्रावे भक्ति युक्तम कथानकम। सुनो, मैं आज आपको एक सुंदर भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूं जो सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य जानकर सुनाया। शिष्य संकेत करता है शीशे के जैसा, जैसे शीशे के सामने आप खड़े हो जाओ तो यथार्थ दर्शा दे, ऐसे शिष्य गुरु के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शी रहे, नहीं तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी। अगली लाइन में भूल गया तिवारी जी, आप याद कर लेना, थोड़ा उम्र के हिसाब से भूलने की आदत हो गई। कहते हैं एकदा ही विशाल आयाम चत्तवार ऋषि ओमलह, एकदा एक दिन विशालपुरी में निर्मल सत्संग का अवसर आया। सत्संग आपके बस की बात है नहीं, जहां यथार्थता की संगति हो हम उसे सत्संग कहते हैं। वहां पर देखा कथा ब्रह्म नंदी नमुखम चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुत्रस्थिता। क्या एक प्रमाण है, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें उसके बारे में कुशलता को पूछना चाहिए। कहते एक बार अवसर आया, विशालपुरी में देवऋषि नारद से समागम हुआ तो जाते ही भैया कैसे हो, क्या कुशलता है, कहां से आ रहे हो, कहां जाना है, चेहरे पे चिंता के क्या भाव है। वास्तव में मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। विश्वरूपी परमात्मा को प्राणी मात्र में देखना यही सत्संग का संकेत है, और अगर हमने विश्वरूपी परमात्मा को प्राणी में नहीं देखा तो सारी जिंदगी त्याग करने का कोई अभिप्राय। संत किसे कहते हैं, चले कर कर से छोटा सा संकीर्तन, कथा बड़ी रोचक है कि प्रेम जब संत किसे कहते हैं, इस कपड़े का नाम संत नहीं है, ये भगवे को संत नहीं कहते। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करके ब्राह्मण नहीं हो सकता, कोई भी शस्त्र उठाकर क्षत्रिय नहीं हो सकता, ऐसे भगवा धारण करके हर व्यक्ति संत नहीं हो सकता। संत नामे वृत्ति, संत की वृत्ति, संत वृत्ति का नाम है, कपड़े का नाम नहीं है। तो साधन अंत वस्त संत, जिनके संस्कारों का कहीं से कहीं तक अंत ना हो, अनंत हो, उन्हें संत कहते हैं महाराज। निराकार ब्रह्म का साकार रूप।